एबीपीएस न्यूज। गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बिलारी में स्थित सराय ज्वालापुरी गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 14 किलोमीटर है। लगभग 6000 की आबादी व 2500 वोटरों द्वारा गायत्री देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 326 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हैंडपंप भी लगाए गए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइटें लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 7 सीसी टाइप्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवासों का निर्माण भी कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाली, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी की टंकी, आंगनवाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 500 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। गाँव ग्राम पंचायत सराय ज्वालापुरी का एक मजरा है। यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो सही ढंग से किए जा रहे हैं और इससे जो है गांव के लोग जो सब हैं वो सारे संतुष्ट हैं काम से। और हमारे गांव का जो राशन डीलर वितरण हो रहा है वो हमारे गांव की प्रधान की और प्रधान जी की निगरानी में जो है सही ठीक ठाक चल रहा है और सब ठीक। हमारे यहाँ का जो विकास कार्य चल रहा है वो सब ठीक चल रहा है।